पॉपुलर शो गुम है किसी की प्यार के अपकमिंग एपिसोड में ट्विस्ट एंड ट्विस्ट आने वाला है। दूसरी तरफ जब रजत घर लौटता है तो वह लकी को बुलाता है। परिवार के सदस्य पूछताछ करते हैं कि क्या हुआ, तो रजत बताता है कि ईशा की दुर्घटना के लिए लकी को जिम्मेदार था। वह पूछता है कि लकी कहाँ है क्योंकि उसका फोन नहीं मिल रहा है। तारा उसे बताती है कि लकी घर पर नहीं है और रजत से विनती करती है कि वो ईशा की हर बात पर विश्वास न करे। रजत जोर से देकर कहता है और कहता है कोई मकसद नहीं था क्योंकि ईशा को वीडियो में उसकी संलिप्तता का पता चल जाता है। उसे पता चल जाता है कहीं न कहीं लकी का इसमें हाथ है पूरी तरह से। वहीं भाग्यश्री लकी के बचाव करते हुए कहती है कि वह गलतियां कर सकता है लेकिन वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रजत बहुत ही डटे खड़ा रहता है। वहीं दोस्त का उसका फोन आता है। लकी कोई जवाब नहीं देता। वह तारा से मांग करता है कि वह उसे बताए कि लकी कहाँ है। उस पर उसे बचाने के लिए झूठ बोलने का आरोप भी लगाता है, परंतु शांतनु बताता है कि सभी ने उसे बताया कि ईशा को होश आ गया है इसलिए वह उसे मिलने के लिए जा रहा है। रजत साथ चलने की पेश भी करता है और कहता है कि राजू को निर्देश देता है कि अगर लकी वापस आए तो उसे सूचित करना कि हमें उसे मिलना है। भाग्यश्री लकी की हरकतों पर हैरान जाती है। उसे डर हो जाता है कि अगर रजत उसे ढूंढ लेगा तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। तारा उसे आश्वस्त करती है और एकदम दिलासा करती है कि रजत लकी को पता नहीं लग पाएगा। ये इशारा करते हुए उसने उसे छिपा देती है। दूसरी तरफ लकी का दोस्त उसे रजत से बात करने की सलाह देता है लेकिन लकी मना कर देता है। उसे डर लगता है कि अगर यह बात उसे पता चल गया तो कहीं ना कहीं मैं जेल चला जाऊंगा। ईशा सभी रजत और शांतनु ने उसे घर ले जाने का अनुरोध करती है लेकिन वो जोर देते हैं कि यह संभव नहीं है क्योंकि डॉक्टर उनकी जांच करके बताता है कि अस्पताल छोड़ने की इच्छा भी नहीं है उनकी क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि अभी पूरी तरह से वो ठीक नहीं है। शांतनु समझाता है कि सभी ईशान की मौत के बाद से ईशा को अस्पताल पसंद नहीं करती। रजत डॉक्टर को यह भी कहता है कि वह घर पे ईशा मैम का ज्यादा पर ख्याल रखेगा। उसे छुट्टी देने का अनुरोध करता है जिस पर डॉक्टर सहमत नहीं हो जाते हैं लेकिन कितना भी कहने पर ईशा के बारे में वो मान जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस ईशा के हिंट लेने के लिए केस को लकी गिरफ्तार करती है। रजत उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन सभी उससे भिड़ जाती है और वो कहती है कि जिस प्रकार से जैसे मैं आपके ऊपर भरोसा करने की कोशिश करती हूँ आप कुछ ऐसा कर देते हो जिससे कि मेरा भरोसा टूट जाता है। ईशा मैम की एक गलती की वजह से दोनों फैमिली के बीच काफी ज्यादा दरारें आने वाली है और यह दरार हद से ज्यादा बढ़ती जाती है। तो वह ईशा मैम का एक बयान सभी और रजत दोनों की जिंदगी को वापस फिर से लेकर आएगा यह तो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। और ये सीरियल किस मोड़ पे लाकर कहाँ पे छोड़ेगी, क्या तारा और लकी दोनों की सच्चाई सभी घर वाले देख पाएंगे? देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।